भारतीय सेना के 21 पंजाब रेजिमेंट में सेवारत जोगिंदर नगर के दूल गांव निवासी 27 वर्षीय नायक अमित कुमार की मृत्यु हो गई। आज नायक अमित कुमार का उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव देह जैसे ही रविवार को उनके घर पहुंची तो हर आंख नम हो गई। अमित कुमार की धर्म पत्नी मनीषा सहित माता गौरी और पिता राजेंद्र ने नम आंखों से अपने परिवार के सदस्य को विदाई दी। इन दिनों सियाचिन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कुछ दिन पहले ड्यूटी के दौरान अमित कुमार को पेट में दर्द उठा। इलाज के लिए उन्हें लेह अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। कुछ दिनों ठीक रहने के बाद एक बार फिर उनके पेट में दर्द उठा, जिसके लिए उन्हें चंडीगढ़ के कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया। कमांड हॉस्पिटल में उनका फिर से ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा न सके। रविवार सुबह सेना के वाहन के माध्यम से सैनिक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। पति की अर्थी देख पत्नी मनीषा का रो रो के बुरा हाल है, और इस दौरान वह कई बार गश खाकर बेहोश हो गई। वहीं परिजनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमित कुमार की 2 साल की बेटी सेजल अपने पिता को बार बार आवाज लगाती रही, लेकिन मासूम को क्या मालूम कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया है। मनीषा ने सुहागन के जोड़े में पति अमित कुमार को अंतिम विदाई दी। सेना के जवानों ने अमित कुमार की धर्मपत्नी को तिरंगा दिया और सलामी ली। इसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ अमित कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, अमित कुमार के पिता होशियार सिंह लोक निर्माण विभाग जोगिंदरनगर के अंतर्गत बेलदार के पद पर कार्यरत हैं। उनकी माता गृहिणी है, जबकि छोटा भाई प्लंबर का काम करता है।